हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का जीएस ब्लॉगर का कसेटल गांव में। और मैं फिर से आ चुका हूँ अपना फार्म, मतलब अपना फार्म में कंपनी का बच्चा संभालने के लिए, रॉयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है बच्चा दिया था, उस बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि आज काम वाली नहीं आई है तो हमको आज खुद से काम करना पड़ेगा। पूरा गिल्ला हो गया, देख रहे हैं, पूरा गिल्ला हो गया, इस तरह से गिल्ला नहीं रखना चाहिए। तो आज मैनेजर को कॉल किए और मैनेजर को बोले हैं कि आ करके देख लीजिए एक बार, फार्म नहीं होगा तो बच्चा हो चुका है, मुर्गी हो गया है, निकालने का साइज तो निकाल दीजिए मुर्गी। तो बोला कि ठीक है, हम आते हैं, एक से दो घंटे के अंदर आते हैं, तो आएगा मुर्गी निकालने के लिए। तो देखते हैं क्या वो बोलता है, मुर्गी निकालेगा कि नहीं निकालेगा। हमारे हिसाब से निकाल ले तो ही अच्छा रहेगा, समझे ना, क्योंकि अब बड़ा हो चुका है तो उस हिसाब से दाना दे नहीं पा रहा। कंपनी वाला बोलता है कि दो खाता है दिन भर में चार बोरा, और बोलता है कि खिलाओ ना अढ़ाई तीन बोरा, तो कैसे रहेगा, मुर्गी नहीं रह पाता है। तो कोई कोई अढ़ाई किलो का हो गया, कोई कोई दो किलो का हो गया, और कोई कोई एक किलो नो सका है, तो हो चुका है निकालने का साइज़। तो आज आएगा मैनेजर, तो देखते हैं क्या वो बोलता है। तो आज काम वाली नहीं आई है, तो पूरा डब्बा गंदा हो चुका है, तो इस डब्बे को आज हमें खुद से धोना पड़ेगा, क्योंकि वो आती थी तो हम दोनों मिल के धोते थे, और वो आज नहीं आई है तो हमें खुद से धोना पड़ेगा। और इधर बच्चे फैला के देख रहे हैं, फार्म देखिए यार कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, देख रहे हैं, भयानक टाइप से एकदम खतरनाक, समझे। तो पहले एक बार पूरा देख लेते हैं कि कहीं एक दो ठो या छिटपाट मरा तो नहीं है ना। उसके बाद में यहाँ से जाएंगे वहाँ तक, यहाँ से भी वहाँ तक जाएंगे, वहीं से टप लेते आएंगे और उसी में जो है सो धोएंगे। टप से ही धोना पड़ता है इसको, ऐसे उठा के टप में लगा के इसका पानी जो है सो निकाल के फेंक देना पड़ता है, इसको थोड़ा धो देना पड़ता है, फिर इसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। देखिए किस टाइप से गंदा हो चुका है पानी, से देखिए चेक कीजिए ये पानी को, देखने पानी गंदा है ना, तो ये पानी ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो इस पानी को जो है सो निकाल देते हैं, और दाना देने में जो है सो भर भर के दिए थे, एक घंटा भी नहीं हुआ, देख सकते हैं कैसे खाली कर चुका है दाना। और बोलता है कि दाना दिन भर में दो ही बार ही लगा, और हमें लगता है कि दिन भर में दो बार नहीं, दाना तीन बार लगना चाहिए, वो भी तीन बोरा करके, क्योंकि दाना उतना मुर्गी खा जा रहा है, तो खा जा रहा है पर लगाने नहीं दे रहा कंपनी वाला। तो इसीलिए अब जो है सो मुर्गी आज हम बोलेंगे मैनेजर को कि निकाल लीजिए, बेहतर होगा हमें भी और आपको भी, समझे ना। उसके बाद फिर से यहाँ का काम शुरू हो जाएगा, ऊपर छत पिटाएगा, समझे, ऊपर छत पिटाएगा। उसके बाद में जो है सो छत पिटाने के बाद में जो है सो फिर मुर्गी लेंगे, क्योंकि नीचे मुर्गी रहेगा, ऊपर छत पिटाएगा तो जो है सो ये हो जाएगा ना, क्या बोल जाएगा, अगर कुछ गिर गया तो मुर्गी मर जाएगा, इसीलिए नहीं बाबा, देख रहे यार, चेक करो एक बार, फार्म चेक करो यार, ये चेक करो, ये देख रहे हो, क्या बोलूँ, ठीक है तो बोल देता हूँ। जब से देख लिया हूँ पागल देख लिया हूँ धड़को ही दिल में, अगर जब से देख लिया हूँ पागल देख लिया हूँ धड़को ही दिल में, तम कहाँ के परी गेंदा उतारी गिरीडी दिल में। देखिए एक बार इधर भी चेक कीजिए कैसे बैठा रहता है, सो देख रहे हैं। हमारे हिसाब से मुर्गी जाल जाना चाहिए 45 से 47 क्विंटल का बीज होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होगा तो फिर भी जो है सो मेरा 45-44 क्विंटल कहीं नहीं जाएगा मुर्गी, उतना हो ही जाएगा, उसमें कोई दूरा नहीं है, समझे ना। तो अब जा करके हम लाते हैं तब, तो उसके बाद धोने शुरू करते हैं। और यहाँ कोई कैमरामैन है नहीं कि जो है सो धोते वक्त हमारा मोबाइल पकड़े और कोई रिकॉर्डिंग करे, तो वैसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि डब्बा कैसे धोते हैं, दाना कैसे लगाते हैं, दाना लगाने से हमें मुर्गी कितना परेशान करता है, ये सब हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कैमरामैन कोई रहता नहीं है, गरीब आदमी है, खुद से बनाते हैं, शौक पूरा करते हैं, भले से वायरल होते हैं या नहीं होते हैं, समझे ना। तो फिर से मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, आज या कल या परसों, जब दिल करे तब। तो आदि के लिए ओके।